खरगोन जिले के सनावत नगर में कोरोना संक्रमण के चलते पीरान पीर दरगाह पर धार्मिक आयोजन खादिमों की ओर से किए गए। इसमें रंगे महफिल, संदल, चादर और लंगर का आयोजन हुआ। निमाड़ की शान कहा जाने वाला सांप्रदायिक एकता का प्रतीक मेला पीरान पीर इस बार नहीं मनाया गया। परंपरा अनुसार इस वर्ष भी हजरत शाह जमालुद्दीन रोशन कादरी उर्फ पीराने पीर बाबा की दरगाह पर खादिमों की ओर से संदल, चादर और महफिल रंग के कार्यक्रम हुए। दरगाह को फूलों से सजाया गया। कोटा से आए रंगे महफिल के फनकार मुकर्रम वारसी ने सूफियाना कलाम पेश किए। उर्स प्रबंधक शहजाद शेख ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते मेले का आयोजन नगर पालिका ने निरस्त कर दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। रंग का रंग चढ़ा दे तब मैं सब कुछ पा जाऊं, प्रेम रंग का रंग चढ़ा दे जब मैं सब कुछ पा जाऊं। समंदर के निकट खाली गगरिया लेके आई हो। किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम कैसा मनाया आज? ये सरकार हजरत सैयद शाह जमालुद्दीन रोशन कादरी पीरान पीर बाबा के आस्थाने पे जो आज उर्स मनाया गया है वो कोविड-19 के नियमों को देखते हुए रस्मन प्रोग्राम की जो अदायगी होती है उसको देखते हुए बनाया गया है। क्या क्या कार्यक्रम हुआ है इसमें? महफिल रंग हुआ है जो मुख्तसर लोगों की शिरकत में रंग किया गया है और मुख्तसर ही लंगर भी रखा गया है जो सालों से परंपरा चली आ रही है उसे निभाया गया है। कितने घंटे चला प्रोग्राम ये साहब? ये 2 से 2.5 घंटे प्रोग्राम चला है। ये बड़ा करम, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश सरकार जमालुद्दीन पिया रहमतुल्ला लगी और कालू बाबा साहब मद जिल्लाहुल आली की कि इस दौर के अंदर जो बड़ा नाजुक दौर चल रहा है और प्रशासन का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ कोविड-19 की तकलीफ के अंदर जो है वो इजाज़त दी और बहुत मुख्तसर से लोग इस प्रोग्राम के अंदर हाजिर आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। कार्यक्रम जो मुख्तसर टाइम पे चला, सिर्फ 1 या 1.5 घंटे चला, इसके अंदर कौन कौन से कलाम आपने पेश किए? मैंने हमद पढ़ी है, साहब जी इतना तो बता दो कितने रूप तुम्हारे हैं, नाते पाक पढ़ी मैंने, नबी के घुमवारियाले बाल और मनकबत पढ़ी, कौल पढ़ा, मन कुंत मौला हजा फालवीन मौला, मनकबत पढ़ी, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन मेरे हाथ में पीराने पीर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।